मैं जब भी कहीं घूमती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या देख रही हूँ। जरका, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जी, हम लोग जा रहे हैं फलन स्पो स्लॉट। है कि कुल्ली कर रही है तुम? मैं पश्तो बोल रही हूँ। लॉट को मैं बता सकती हूँ कि ये कासल है। अच्छा, ठीक है, ये बड़ा पुराना टीम है। अब हिले को बोले तो फिर मैं मानू आपको। हिले को, हाँ, बढ़िया सोटियां खादियां ने अरबी गलत बोलन थे बचपन में, तो इसलिए प्रोनंसिएशन मेरी मैं पिक कर लेती हूँ लैंग्वेजेस। कोई चुड़ेला शुड़ेला तो नहीं होनी? अंदर नहीं लेके जाना। अच्छा, रिस्क नहीं नहीं पसंद ही ना आ जावे किसी नु। ओके बाजी, तू इत्थे ही रह जा साडे कोल। अभी भी आपकी बेटी से कहा है कि खैर वफियत से वापस भिजवा देंगे आपको। हम कोई तकरीबन एक घंटे में पहुंचे यहाँ पे, जबकि ट्रैफिक रास्ते में कोई इतना ज़्यादा नहीं था, मगर ये है कि ये ज़रा दूर है। और क्या ये, मुझे तो ये डोडे वाले दरख्त भी बड़े पसंद हैं यार, साइडों पे जो लगे हुए हैं। ये सामने जो आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये है जी कासल। और अगर आप लोगों को याद हो तो मेरा एक ड्रामा भी था जो हमने ग्लासगो में शूट किया था, उसका नाम था द कासल एक उम्मीद। उसमें मैं लॉयर बनी थी। Bye babies, going home. This is all barf. Quite wide. दीवारें 4-5 मिले तो ये इतना चौड़ा है ये। सो इसके लिए तो यहाँ से वहाँ जाना बहुत इम्पॉसिबल है। जो लोग यहाँ रहते होंगे या तो उनके मज़े हैं। हाँ भाई, वाह मज़ा आ गया। ये देखो, आई लव द ट्रीज, सुभान अल्लाह। ये है ना सही मज़ा। एंड यू लव द कोल्ड। आई लव द कोल्ड। मैं तो कल अपनी बेटी को दुआएं दे रही थी। मैं 2021 नवंबर में टर्की गई तो उसने मुझे ये जैकेट लेके दी। शी सेड वहाँ बहुत ठंड होगी तो आपको ये लेनी पड़ेगी। तो ये अब मुझे इतनी काम आ रही है। इट्स सो नाइस एंड वार्म। फुल मून भी, स्नो भी। ये देखो, मैं जब भी कहीं घूमती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या देख रही हूँ। मैं खुद भी इंजॉय करती हूँ
वो देखें जी चांद, सो ब्यूटिफुल। हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए, हाथ लगाए। और लेकिन बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए। उफ, ये दरख्त क्या कैरेक्टर है इनमें। और जब ये स्प्रिंग्स में समय डरी उससे तो बस क्या बात है। भी कहेंगे क्या मैं आपको झाड़ियां दिखाती रहती हूँ, बट दिस इज द ब्यूटी। ये जी हम आ गए हैं कासल की प्रेमिसेस में। ये इसका गार्डन एरिया है, जो कि अभी ऑटम की वजह से इतना गार्डन ही नहीं है, बट ये सारे इस तरह से मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का कोई ना कोई नोट या उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये जगह क्या बैलेंस है, किसी इंसान के बस की बात है ये? सुभान अल्लाह, ऊपर से देखें जो लाइन जा रही है, जो दरख्त हैं, वाह। अगर टाइम होता तो इस रास्ते में मैं एंड तक जाती, आगे मुझे शायद पानी नजर आ रहा है जी, है ना। हाँ, इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए है कि इत्थे बादशाह नांदे सी हौस सी कहते ना। ओपन एयर गुसल का भी इस्तेमाल प्लीज। और क्या नाम है इस कासल का? क्या नाम है इस कासल का? इसका नाम है फर्लिंस्पो। 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 यस। फर्लिंस्पो। यस। लवली। फ्रेंच भी। अलजीर में अरबी भी बोलती थी मैं, फ्रेंच भी बोलती थी। फ्रेंच बोलती। चलो जरा मैं उससे कुक से कहूँ जरा चाय बनाए हम लोग चाय। हाँ, अभी वो तैयार ही बैठा है हमारे यहाँ। अभी तो वापस आएंगे हम। यार ये बर्फ है, मैं समझी नमक है। नहीं ये बर्फ है। पूरा वापस जाना ही। आप लोगों को हम नजर आ रहे हैं, जगह नजर आ रही है, एग्जिस्टेंस नजर आ रही है चीजों की, लेकिन आई होप कि आप लोग वो सुकून महसूस कर सकें जो हम इस वक्त फील कर रहे हैं। खामोशी, एक तो सर्दियों में वैसे ही खामोशी होती है, ऊपर से इस जगह का सुकून, तो बहुत पुरसुकून जगह है। थैंक यू जरका। बहुत ही ठंडी जगह है। यार मैं कराची से आके इतना ठंड लगती कर रही हूं, आपने वो मुझे बर्फ कमिंग परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं आपको, वो चांद नज़र आ रहा है, ये दरख्त।
ये टाइम हो गया है हमारे वापस निकलने का, और इस थोड़े से टाइम में हमने कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय कर लिया। और ये रात का व्यू है, वो चांद बीच में नज़र आ रहा है, ये वही दरख्त जो थोड़ी देर पहले रोशनी में मैंने दिखाया था। मुझे अपना मफलर सर पे लेना पड़ा, उसकी वजह ये है कि सर्दी जो है वो सीधा हिट कर रही, इवन मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो बर्फ़ भी साइडों पे पड़ी हुई है। चलें जी, मुख्तसर सा ये एक कासल का विज़िट था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और ये घर की लाइटिंग चेक करें ज़रा, नाइस एंड वार्म, देख के थोड़ी सर्दी कम हो रही है। हम जा रहे हैं गाड़ी में। अनिया थैंक यू सो मच, ये जैकेट इतनी गर्म है कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा, जो यहाँ रहते हैं उनको इतनी ठंड लग रही है और मुझे इस जैकेट की वजह से इतना नहीं फील हो रहा। विच परदेसों में मॉल आ गए हैं जी। शॉपिंग हर औरत की कमजोरी होती है, लेकिन मैं बड़े नफ्स पे काबू पा के ये काम करूंगी। फिक्र नहीं करनी आपने, कोई फजूल खर्ची नहीं करनी है मैंने। अभी हम मॉल पहुंचे हैं और देखते हैं कितना काबू पा सकती हूँ मैं। क्राउन प्लाजा, अच्छा ये तो, और ये होटल है, अच्छा ये फील्ड्स है, यहाँ जाने आपने। दिस इज लाइक सिटी सेंटर है ना? यस, न्यूयॉर्क वर्जन ऑफ कोपेनहेगन। बॉडी शॉप, वेलकम इन, वेलकम, वेलकम इन मींस वेलकम। ये गाड़ी के हम जाते हैं करीब, और बस हम मॉल की पार्किंग में ना, यहाँ के लिए लगाया गाना विच परदेसी। अच्छा, मैं परदेसी हो गई। हाँ तो वो तो मैंने पहने हुए, तो कुछ और ऐसी चीज, दुबई मॉल उस जैसा। नहीं, नहीं, और प्राइसेस, प्राइसेस ज्यादा है वहाँ से? नहीं, दिस इज नाइस, जस्ट सी ए ये। आखिर में आए हैं मेरी बहुत फेवरेट जगह पे, लेकिन यहाँ से मैं कुछ ले नहीं सकती, इसकी वजह ये है कि इतना वजन उठा के मैं कहाँ जाऊँगी। शेल स्टाइल पूरा सेट है, पता नहीं क्या है। It's huge. Very nice. Teat किस्म के होते हैं कपड़े, कपड़े कपड़े खरीदा कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं हम। देखते-देखते हम खरीद लेंगे। हाँ कुछ अच्छा लगा तो why not, मेरी जान। इसीलिए आया ना? इसके अच्छा ये कंफर्टेबल होते हैं। प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज है जी ये 900 डेनिश क्रोनर, मतलब $150। ओके, तो ये तो स्केचर्स से भी ज़्यादा है कि भी उतनी प्राइस रेंज है। ये प्राइस ही होता है। उसमें जूते थे जो यहाँ के डेनिश ट्रेडिशनल जूते हैं,
और उनकी प्राइसेस थी 100 से 150 डॉलर्स तक, जो कि प्राइसी हैं, मगर वो जूते जो हैं वो स्केचर्स के लेवल के हैं, तो मैंने नहीं लिए। हम लोग आगे हैं, आगे फर्दर देखने। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस, लेकिन मैं अभी यही इनको बता रही थी कि अगर कंपेयर करें तो प्राइसेस और क्वालिटी और चॉइस यूके में बहुत बेहतर है यहाँ से, इवन दुबई में। या पता नहीं, मैं कंजूस हो गई हूँ, आई डोंट नो, समहाउ आई फील लाइक दे वेरी प्राइसी। करते हैं अभी तो इतना नहीं लिया, एक सस्ता सा बैग लिया, एक डेनिम की जीन्स ली है, बस इतना तो बनता है। प्रोस्टिट्यूशन की चीज़ें मुझे बहुत आर्टिस्टिक लगती है। गुड, ये है जी मैगेशन, यहाँ का डेबिनम है ये, तो ये उसी तरह से कपड़े, जूते, बैग्स, चश्मे और सारे जो ब्रांड, मल्टी ब्रांड स्टोर टाइप की चीज़ है। तो अब इतना टाइम तो नहीं है कि अंदर से पूरा देख सकें, मगर आपको ऐसे ही एक आधी चीज़ मैं दिखा देती हूँ, बिकॉज़ समहाउ आई फील कि यहाँ पे टैक्सेस का चक्कर है। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ प्राइस का। ये जो शर्ट है ये 199 कोरोना की है, जो कि बनते हैं तकरीबन 8,000 रुपये, तो उस हिसाब से आई फील के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये चूँकि हाई एंड स्टोर है, डेबिनम पे अच्छे ब्रांड्स और मिलती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ का भी ये सारे जो नॉन ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं इनकी, हेलो एंड ब्लाह ब्लाह ब्लाह। ये तो अनिया और अली हमजा की मतलब की जगह है, कॉफी फैंस हैं। एमवी, मुझे अब केक लेना है, उनके यहाँ लेके जाना है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो बस यहाँ से अब जो भी कुछ अवेलेबल होगा वो लेके, बिकॉज इनको भी देर हो रही है, जरका को घर पहुँचना है, बच्चे हैं, मियाँ हैं, वेट कर रहे हैं, तो बस अभी केक लेके तो फिर निकलते हैं। खाने पीने की कुछ जगह शुरू तो हो गई, आई कैन सी बॉडी शॉप के बाद। कि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, एक चीज़ जो मुझे पता चली है और आई होप के टाइम पे ही पता चल गई है, वो ये कि ये चीज़ आपने कानों में यूज़ नहीं करनी है। अगर करनी भी है तो सिर्फ बाहर बाहर साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरी हेयरिंग बहुत इफ़ेक्ट हुई है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी ये, और अभी मैं किसी का प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे पता चला कि इस चीज़ को जब आप अंदर से साफ़ करते हैं तो वैक्स को एक्चुअली पुश कर रहे हैं कानों के अंदर, और वो फिर आपकी हेयरिंग को इफ़ेक्ट करता है, जो कि मेरे साथ हो चुका है। उसका ट्रीटमेंट ये बताया उन्होंने कि जब आप शावर लें वार्म पानी से, तो उसके बाद सर को यूँ करें और पानी को थोड़ी देर कान के अंदर जाने दें, और उसको थोड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 के काउंट तक रखें, और फिर सर को टिल्ट करके वो पानी निकाल दें। इसी तरह दूसरी साइड पे भी करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके कानों का जो वैक्स है वो सॉफ्ट होके बाहर आना शुरू हो जाएगा। सो डोंट फील बैड अबाउट इट, डोंट फील एम्बेरेस्ड अबाउट इट, आपकी हेल्थ पहले है, आपकी ये जो अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दिए हैं इनको प्रोटेक्ट करना पहले, और बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो मैंने तो तौबा की है, बिकॉज़ इन चीज़ों को आप इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते, बाकी आप नेल के क्यूटिकल साफ़ करने के लिए, कुछ एप्लीकेशन के लिए, कुछ साफ़ करने के लिए और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, बट कान अंदर से नहीं, कनाल नहीं।